हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया है 3x + 5 / 2x + 7 = 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3x + 5 / 2x + 7 = 4/1, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं कुछ नहीं है। अब इसमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5, ये तो इक्वल हो गया इक्वल। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4 2 8x + 4 7 28। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर कि इसको 28 को इधर ले आए या 5 को इधर ले आए या इसको तो एक्स एक्स इधर ले आए, तो 3x - 8x = 28 - 5, क्योंकि ये प्लस का फेस सेट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद आती है इसमें से -8 में से 3 चले गए तो माइनस के 5x, और यहाँ 28 में से 5 चले गए तो ये हो जाएगा 23। अब ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x = -23, तो x = -23/y, दैट इज आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पक्षांतर वाले हैं, इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू या इन दोनों x की वैल्यू आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।